एम ऑडिबल टू एवरीवन? एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? सभी को आवाज आ रहा है मेरा? यस हाय गुड नाउ वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन. वी आर स्टार्टिंग विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट. देयर आर वेरी न्यू टॉपिक. तो कल वाले में आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट कल वाले लेक्चर में, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का. Anyone is having any doubt regarding today's lecture? चलो, we are starting with a very new topic that is balance of payment. आज हम लोग बात करेंगे what is all about the balance of payment and balance of trade. And इसके अलावा हम लोग बात करेंगे what are the components of balance of payment and balance of trade. कि balance of payment क्या होता है, balance of trade क्या होता है, balance of payment के components क्या होता है. मतलब भाई हम लोग accounts की बात करेंगे, what are the accounts in a balance of payment we have. ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली इम्पैक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं कि तो पहले हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू द किंडलबर्गर, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ रिपोर्टिंग कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कुल मिलाकर सिंपल भाषा में समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक देश के द्वारा दुनिया के जितने सारे देशों के साथ जितने भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम लोग ऑल द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, मतलब विजुअल और इनविजुअल दोनों आइटम्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत. पहले होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जरूरत क्या होती है. देखिए, दुनिया के हर देश को, ऑल दोस कंट्रीज हु आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हमने आपको कल बता दिया, बहुत डिटेल में कल डिस्कशन किया. तो दुनिया के जितने सारे देश हैं तो दे हैव टू, ऑल दोस कंट्रीज हु आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड WTO. ठीक है, तो दे हैव टू बी मेक देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाना पड़ता है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट से हम लोग देखते हैं क्या है. मतलब आप दुनिया के किसी दूसरे देश में बिजनेस करने जा रहे हैं तो what we can do, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को देख कर वी कैन एनालिसिस कि कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी कंट्री खराब है. अगर मान ली कोई भी कंट्री मतलब एक्सेस सरप्लस में जा रहा है, उसका भी अभी आगे आपको बताएंगे. मतलब अगर कोई दुनिया की कोई भी इकोनॉमी जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट एक्सेस सरप्लस में है
वो भी एक इन्वेस्टर्स के लिए नुकसान की बात है, अगर कोई किसी किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट अगर डेफिसिट में जा रहा है, वो भी एक एक देश के लिए नुकसान है। तो हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वी आर मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट वी आर मेकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कंपेरिजन, मतलब दुनिया के जितने सारे देश हैं उनकी हम तुलना एक कंपेरिजन करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, तो देन वी रिक्वायर सम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सिंपल। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है क्या है? हमने ये बता दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं। व्हेनेवर वी जस्ट वांट टू बी मेक सम सर्टेन इंटरनेशनल कंपेरिजन अमॉन्ग ऑल द नेशंस हु आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अकाउंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ द फॉरन कंट्रीज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दुनिया के एक देश के द्वारा दुनिया के जितने सारे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं हम लोग, उसमें सभी जो भी हम लोग फॉरेन ट्रांजेक्शन इंक्लूड करेंगे, कुछ भी इनफ्लोज की बात करेंगे, आउटफ्लोज की बात करेंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की बात करेंगे, बैंकिंग कैपिटल की बात करेंगे, दुनिया का हर ट्रांजेक्शन जो भी एक हमने एक बिटवीन द टू कंट्रीज में किया है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत अकाउंट्स को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये है कि इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरिड आउट इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सॉरी, तो इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर एंट्री दो टाइप दो जगह इंपैक्ट करती है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इसको हम लोग बोलते भी हैं फीचर्स में। डबल एंट्री क्यों बोल रहे हैं, एक इंपैक्ट पड़ेगा डेबिट साइड में, दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा क्रेडिट साइड में। अभी कैसे पड़ेगा आगे आपको पूरा समझाएंगे हम। देखिए, कुछ भी अगर हमने पेमेंट किया, मतलब कुछ भी गुड्स रिसीव करोगे तभी तो पेमेंट करेंगे ना। आपने मान लो कोई अमेरिका से कोई 100 रुपए का 100 रुपीज के गुड्स मंगाए, तो आपने गुड्स रिसीव किए तो गुड्स आ जाएंगे आपके इनफ्लोज में, बट वी हैव टू बी मेक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पेमेंट करेंगे तो वो आपके डेबिट होगा। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितना भी एंट्री है, ऑल द इट्स टोटली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरीड आउट इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग बनाते हैं क्वार्टर बेसिस पे, मतलब हर 3-3 महीने में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं। बट जो जो हम लोग पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया के सामने पूरा प्रेजेंट करते हैं, इट्स टोटली एनुअल स्टेटमेंट, समझ गए। तो एक साल में बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम लोग एक बार बनाते हैं। ये याद रखिएगा, आज तक की 1950 से लेकर आज तक की 2020 तक की हम लोग कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट सरप्लस नहीं बना पाए। हम लोग हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डेफिसिट में रहता है। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट समझ गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में करेंगे, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करेंगे, ऑल दोज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विल कम अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बात कर रहे हैं, कंट्री हैज टू डील विद द अदर कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग्स, विजुअल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। मतलब विजुअल आइटम और टेंजिबल आइटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स गुड्स की बात कर रहे हैं, इनविजिबल आइटम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। देखिए, आज के टाइम में हम लोग सर्विसेज गुड्स का तो आप लोगों को पता है कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते ही हैं, क्योंकि आज देर आर एन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर रिसीविंग फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब। जो आज हम लोग बहुत फॉरेन गुड्स रिसीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग वो दुनिया के दूसरे देशों में बने हुए हैं, अब भारत ने इंपोर्ट कराया, तो दैट इज द ओनली रीजन वी आर यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। बट इंडिविजुअल आइटम्स की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो इनविजिबल आइटम इज ऑल अबाउट द सर्विसेज। आज के टाइम में हम लोग सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। आज देखिए, एयरलाइन सर्विसेज चल रही हैं, बैंकिंग्स हो गई है, भारत की बैंकों की ब्रांचें दुनिया के बहुत सारे देशों में है, इंटरनेशनल एयरलाइंस चल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आइटम्स की बात करेंगे। टेंजिबल इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, इनटेंजिबल इज ऑल अबाउट द सर्विसेज। विजुअल इज प्रोडक्ट, इनविजिबल इज सर्विसेज। कैपिटल ट्रांसफर्स की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर FDIs की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मार्केट बोरोइंग्स की बात करेंगे, कैपिटल बोरोइंग्स की बात करेंगे। तो मतलब जो डायरेक्टली आपके पास कैपिटल हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरा कंट्री को, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर, विच आर कंसर्न विद द कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट्स। भाई डेफिनेशन, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको PPT रोज का रोज भेज ही देते हैं, तो इस लेक्चर के बाद हम आपको PPT भेज देंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो
डेफिनेशंस में नहीं जाना, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई सेम बात, इट प्रेजेंट ए क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विस रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट एंड पेमेंट मेड बाय देम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द कैपिटल ट्रांसफर टू द नॉन रेजिडेंट और फॉरनर। इन्होंने भाई सबको अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया कि कुछ सामान इंपोर्ट करा, कुछ सामान एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज जो मिली या सर्विसेज जो दी, कुल मिला के भाई ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की हम लोग इसमें बात करते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स भाई है कि इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एक वो सिस्टम बना हुआ है, हम लोग सिस्टमेटिकली उन सब चीजों की क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं सिस्टमेटिकली, हम हर चीज की एंट्री अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में करते हैं। एक कंट्री के द्वारा दुनिया के जितने सारे देशों के साथ जो भी व्यापार करते हैं वो हमारा सब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में आता है। इट इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन विजुअल एज वेल इनविजुअल, हमने आपको बता दिया, हम लोग गुड्स की भी बात करते हैं और हम लोग इसमें सर्विसेज की भी बात करते हैं। इट रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ टाइम, जनरली इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, मतलब एक सर्टेन पीरियड पर टाइम के लिए होता है, 3 महीने में बनाते हैं हम लोग, 6 मंथ में, 9 मंथ में, फिर फाइनली हम लोग इसको एनुअल एक साल में एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाकर दुनिया के सारे देशों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इट अडॉप्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इट हैज टू साइड, क्रेडिट एंड डेबिट साइड, रिसीप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, रिसीप्ट और रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट ऑन द डेबिट साइड, वो नॉमिनल अकाउंटिंग का रूल है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि दो इसमें, इट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग साइड बुक कीपिंग सिस्टम, मतलब जो भी एंट्री होगी वो दो जगह इंपैक्ट करेगी, एक डेबिट साइड में इंपैक्ट करेगी, दूसरी क्रेडिट साइड में इंपैक्ट करेगी। तो जितना पेमेंट आएगा, पेमेंट जितना रिसीप्ट आएगी, जितनी इनकम वो रिसीप्ट कहाँ जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। जितना पेमेंट करेंगे हम लोग, तो वट एवर द पेमेंट, मतलब कुल मिलाकर जो एक्सपोर्ट होगा, जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा हमारा कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, और जो अगर इंपोर्ट करेंगे हम लोग, पेमेंट करना पड़ेगा, वो हमारा डेबिट में जाएगा। तो यहां तक कि किसी को कोई डाउट प्लीज बताइए, अभी तक की कोई डाउट आप लोगों को, कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। प्रतिमा, आप, नम्रता, संध्या मैम, सत्यम, रोहित, यू, व्हाट अबाउट द काजल, पूजा एंड मनप्रीत, मनप्रीत टुडे यू हैव ज्वाइंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट और डिटेल में बताएंगे, अभी तो मतलब बेसिक हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन ए कंट्री इंपोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है हमारा एक बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो एक कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिंपल। तो द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट कॉमन कम, ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल। तो डेबिट क्या होता है, डेबिट आइटम्स इंक्लूड द इंपोर्ट, हमने आपको बताया था जितना भी हम लोग इंपोर्ट कराएंगे सामान, क्योंकि इंपोर्ट कराना कहीं ना कहीं आपके देश के लिए हार्मफुल है ना, कि इंपोर्ट कराएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा भी अगर हम इंपोर्ट कराएंगे दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट जब कराएंगे तो फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, तो फॉरेन रिजर्व आपका कम होगा। तो डेबिट आइटम्स इंक्लूड द इंपोर्ट, फॉरन एड्स, मतलब जो फॉरन एड, जो हम लोग फॉरन एड्स इज ऑल अबाउट ग्रांट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो मतलब भारत सरकार दूसरे देशों को पैसा दे रही है। डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड हो गया, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, मतलब भारत के लोग अगर बाहर
एफडीआई कर रहे हैं भारत के लोग, अगर इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग देयर प्लांट इन दुबई और सऊदी अरबिया और सम अदर कंट्रीज, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अच्छा, इस डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड की बात करेंगे, भारत के लोग अगर जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इफ दे आर स्पेंडिंग देयर मनी इन अब्रॉड, तो वो हमारा डेबिट सब डेबिट में जाएगा। क्रेडिट में क्या आएगा? आइटम इंक्लूड एक्सपोर्ट, हमने आपको बताया था जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, तो आइटम्स इंक्लूड एक्सपोर्ट, फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकॉनमी, बाहर के लोग जब भारत में पैसा खत्म कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकॉनमी, लोग विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसीलिए देखिए मोदी सरकार ने स्टार्ट किया था मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या था कि बनाइए भारत में, बेचिए कहीं, उससे क्या होगा, एक तो इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन बढ़ेगा, और दूसरा सरकार को टैक्स मिलेगा, और एक मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस सेक्टर बेस्ड कंट्री, कहीं ना कहीं हम लोगों का 60-65% कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी सर्विस सेक्टर से आता है, तो जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन, इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो क्रेडिट में क्या, जितना ज्यादा हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, मतलब इनफ्लोज ऑफ एफडीआई, आगे भी हमको बताएंगे, ठीक है, तो इनफ्लोज ऑफ एफडीआई की हम लोग बात करेंगे, तो ऑल दोस जो विदेशी कंपनी जितना भी भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हमारा क्रेडिट में जाएगा। भाई बात करते हैं कि व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल। जब आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका फेवरेबल कब हो गया, अनफेवरेबल कब होगा, जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगा तो बैलेंस आपका ट्रेड का अकाउंट हमारा फेवरेबल होगा। इफ इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा हो गया, इंपोर्ट ज्यादा करा लिया आपने, एक्सपोर्ट कम किया, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का अकाउंट अनफेवरेबल होगा। हमने आपको बता दिया आज तक की 70 साल में आज तक कभी भी हम लोगों का बैलेंस ऑफ ट्रेड का, वही बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट कभी हम लोगों का फेवरेबल नहीं रहता, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं, उसकी तुलना में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड आप लोगों को समझ में आ गया, आगे बताइए यहां तक की कोई डाउट, क्योंकि अभी तो बहुत सिंपल है, आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें है, अभी हम बताएंगे आपको। एज ऑफ नाउ इफ एनीबडी हैव एनी डाउट तो प्लीज यू कैन सॉल्व रिजॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर क्या है, बहुत सिंपल में आप समझ लीजिए, उसके हमने बताएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ब्रॉडर टर्म्स है, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट और एरर्स एंड अमिशंस, जिसको हम लोग स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी भी बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ वेरी नैरो टर्म्स, सिंपल। इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में याद रखेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सर्विसेज का बात नहीं करते। इट्स इंक्लूड ओनली द विजुअल आइटम्स, सिंपल। इट इज ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ, इट कैन बी फेवरेबल और इट कैन बी अनफेवरेबल। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली इट कैन बी द बैलेंस ऑफ, इट्स ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ। और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो इट कैन बी फेवरेबल और इट कैन बी अनफेवरेबल, सिंपल। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट माइनस बैलेंसिंग आइटम्स, जिसको हम लोग एरर्स एंड अमिशंस बोलते हैं। तो ना सिंपल समझिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात करिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट माइनस नेट पेमेंट ऑन इंपोर्ट, मतलब जितना आपने एक्सपोर्ट पे अर्निंग कमाया उसमें से जितना आपने इंपोर्ट में पेमेंट कर दिया, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, सिंपल समझिए। और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट, जितना हमने एक्सपोर्ट पे पैसा कमाया उसमें से जितना पैसा हमने इंपोर्ट में खत्म कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा, क्लियर। तो आता है फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द बीओपी, कंडीशन ऑफ फॉरन लैंडर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ बीओटी, फॉलोइंग आर द मेन, ये नहीं समझना है आपको, बेसिक समझ में आ गया। अब आते करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंसीज ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंसी क्या है, ठीक है। तो प्रतिमा हमने बताया ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो क्लियर हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल अबाउट द ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट।
अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंसी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो हमने बताया कि बीओपी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन दैट क्रिएट डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ए करेंसी। हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का महत्व, आपकी इंपॉर्टेंसी क्या है, क्यों हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है ऑल द ट्रांजेक्शन, कहीं ना कहीं वो डिमांड क्रिएट करता है, दैट क्रिएट द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ए करेंसी। एक करेंसी की डिमांड क्रिएट करता है और सप्लाई, डिमांड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू बी फुलफिल द सप्लाई ऑल्सो। इट जजेस द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन द शॉर्ट टर्म। हमने बताया था आपको कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हम लोग एक इकोनॉमी को जज करते हैं, एक इकोनॉमी को एनालिसिस करते हैं। नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग वी डोंट इंक्लूड द सर्विसेज। संजय मैम, एंड बीओपी में कन्फर्म ट्रेंड इन इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री, दिस में ऑल्सो इंडिकेट द चेंजेस और रिवर्सल इन द ट्रेंड्स। ठीक है, तो पहला हो गया था हमारा बीओपी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन दैट क्रिएट डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ए करेंसी, जजेस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन द शॉर्ट टर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कन्फर्म ट्रेंड्स इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री, दिस में ऑल्सो इंडिकेट चेंज रिवर्सल इन द ट्रेंड्स। ठीक है, तो कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहना कि क्या आपका ओवरऑल, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंफर्म करता है कुल मिला के कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी की इंटरनेशनल ट्रेड को और एक करेंसी के एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंसी ये आप पूरा टेक्निकल लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में समझिए कि एक तो ये कहना कि हम लोग सप्लाई डिमांड क्रिएट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंट की वजह से, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सप्लाई फुलफिल करना पड़ता है, और एक हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस को जज करते हैं, एक करेंसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग कहने की इकोनॉमी एक करेंसी की वैल्यू को फिक्स करते हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट सरप्लस में रहेगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी अप्रिशिएट रहेगी। क्लियर, सिंपल, ये थर्ड और फिफ्थ पॉइंट सेम ही हो गया, इससे मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कि जनरल रूल इन द बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं, व्हाट आर द जनरल रूल्स वी हैव। इफ ए ट्रांजेक्शन अर्न फॉरन कंट्री फॉर द नेशन, इट इज ए क्रेडिट एंड इट इज रिकॉर्डेड एज ए प्लस आइटम्स। सिंपल, इफ ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ द फॉरन करेंसी, इट इज अ डेबिट एंड रिकॉर्डेड इन अ निगेटिव आइटम। हमने आपको बता ही दिया था पहले ही, भाई सिंपल ही है, सेम ही है कि अगर हम लोग कोई फॉरन करेंसी से पैसा, मतलब कोई फॉरन करेंसी आपके पास में आ रही है, उसको हम लोग क्रेडिट में इंक्लूड करेंगे। जब हम लोग कोई फॉरन करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये हमारे किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो जनरल रूल समझ गया, सिंपल है, स्टार्टिंग से हम लोग बता रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर सिंपल समझ लीजिए, जो एक्सपोर्ट करेंगे क्रेडिट में, इंपोर्ट करेंगे डेबिट में। अब आया मेन, अभी तक ये था मुद्दा, अभी तक ये तो केवल चल रहा था कि व्हाट आर द बेसिक्स की बात अभी हम लोग कर रहे थे, अब हम लोग के आगे कोर टॉपिक की बात करेंगे, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो हमारे बीओपी की जो स्टेटमेंट बनती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उसमें हमारे व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट्स होता है, ऑफिशियल रिजर्व और फॉरेन रिजर्व अकाउंट बोलते हैं, या हम लोग फोर्थ आरआरएस और अमिशंस इसको बोलते हैं। ठीक है, या हम लोग फोर्थ वाले को स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट भी बोलते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो केवल प्रतिमा, अभी तो हम लोग करंट और कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की बात अब आई है प्रतिमा, अब हम बताएंगे पूरा। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, थर्ड ऑफिशियल और फॉरेन रिजर्व अकाउंट और एरर्स एंड अमिशंस, मतलब या इसी को फोर्थ वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको तीन अकाउंट मेन याद रखना है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या फॉरेन रिजर्व अकाउंट और या रिजर्व अकाउंट। अब हम लोग बात करते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड एंड पेमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स, देर कैन बी इधर सरप्लस और डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। सिंपल, हमने आपको बताया करंट अकाउंट में हम लोग केवल किस चीजों की बात करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे, गुड्स और सर्विसेज की, मतलब जितनी भी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आपको पता होगा ना कि मतलब अगर भारत में कोई सामान बना रहे हैं, उसको बना के दुनिया के दूसरे देश में उसको सामान को हम लोग सेल कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होता है जब हम लोग सामान दुबई में बना, देन यू आर दुबई में, सऊदी अरेबिया, इन सब डिफरेंट कंट्रीज, वहां से सामान बनाकर अपने देश में उसको मंगा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट। तो करंट अकाउंट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं,
क्वेश्चन यहीं से पूछा था कि करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट्स में क्या इंक्लूड करेंगे. तो करंट अकाउंट्स में इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ बोथ विजुअल एंड इनविजुअल गुड्स, मतलब वही टेंजिबल एंड इनटेंजिबल या गुड्स एंड सर्विसेज की आप कह सकते हैं उसको. देर कैन बी इधर सरप्लस और देर कैन बी डेफिसिट इन अ करंट अकाउंट. आपका सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, वो आपको पता ही है. जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो सरप्लस होगा, अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारा डेफिसिट होगा. सिंपल है बहुत. करंट अकाउंट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि हम लोग करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, जो हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, मतलब आपने जो कर पैसा, मतलब भारत सरकार ने कोई पैसा दूसरे बैंकों में जमा करके रखा है, विदेशी बैंकों में, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा हो गया क्रेडिट साइड में. उसी की तरह अगर मान लो भारत को कहीं इंटरेस्ट देना पड़ गया, भारत ने मान लीजिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन लिया है, भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, दुनिया की किसी सरकारों से लोन लिया है, तो कहना उस पर कहना ब्याज तो देना ही पड़ेगा. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन्स, दोनों हमारा बैलेंस उसी में आएगा करंट अकाउंट में. डिविडेंड, डिविडेंड भी हमको पता है, जो शेयर्स, जो सरकार शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, जो इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, आगे आपको अकाउंटिंग में बताएंगे डिविडेंड डिटेल में और क्या होता है. डिविडेंड यह समझ लीजिए जो शेयर्स में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनमें जो डिविडेंड मिलता है वो भी हमारा डिविडेंड आएगा इसमें. यूनिलेटरल रिसीप्ट और पेमेंट फ्रॉम द अब्रॉड, जो हम लोग यूनिलेटरल रिसीप्ट आ रहे हैं हमारे, ठीक है, जो हमारा पैसा आ रहा है बाहर से या जो पैसा हम लोग बाहर भेज रहे हैं वो हमारा सब किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा. तो बीओपी ऑन अ करंट अकाउंट रिफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ थ्री बैलेंसेस ऑफ नेमली मर्केंडाइज, मर्केंडाइज भाई प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का बैलेंस, सर्विस का बैलेंस और यूनिलेटरल ट्रांसफर का बैलेंस. तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग सिंपल में समझिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, इंटरेस्ट, ब्याज जो दिया, ब्याज जो आया, देंगे वो आपका क्रेडिट डेबिट में जाएगा, ब्याज जो मिलेगा वो हमारा क्रेडिट में जाएगा, डिविडेंड, यूनिलेटरल रिसीप्ट्स. बट पॉइंट याद कर लीजिए क्या क्या आएगा क्या जाएगा. अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बैलेंसेस किस क्या क्या हो सकता है. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मर्केंडाइज हम लोग बोलते हैं उसको, गुड्स को, ठीक है, प्रोडक्ट्स को. तो मर्केंडाइज में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. भैया हमारा बैलेंस अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड बैलेंसेस रहेगा. भाई सर्विसेज की बात करेंगे हम लोग, ऐसे भाई इनकम बैलेंस की बात करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट्स, ठीक है, जितना हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमारी इनकम कितनी आ रही है. नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू इंप्लॉयज, नेट कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉयज, ठीक है, मतलब भाई कुल मिलाकर है कितना पेमेंट हम कर रहे हैं, कितना पेमेंट हमारा आ रहा है. भाई नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर की हम लोग बात करेंगे, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस गिफ्ट टू द फॉरेन कंट्रीज, कितना गिफ्ट आपको मिला है, कितना गिफ्ट आपने पेमेंट किया है. तो जितना गिफ्ट आपको अगर मिलेगा ज्यादा, पेमेंट आपने कम दिया कम है, तो आपके लिए कहना कि वो फायदा रहेगा, समझ रहा है. यही है कि ट्रेड बैलेंसेस में हम लोग को क्या क्या कुल मिलाकर सिंपल समझिए भाई, आपका पेमेंट ज्यादा, पेमेंट कम किया है, पेमेंट कम किया है और आपको रिसीप्ट ज्यादा हुई, मतलब इनकम इज मोर देन द एक्सपेंसेस, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज इन अ सरप्लस. अगर आपका खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम हुआ, तो करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में चला जाएगा. सिंपल, कोई डाउट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में प्लीज बताइए. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन अ करंट अकाउंट प्लीज टेल मी, बहुत इंपॉर्टेंट है. दो या तीन क्वेश्चन आपको हर पेपर में करंट अकाउंट से मिलने ही मिलना है. काजल, प्रतिमा, आप, संध्या मैम, आप बताइए. कोई डाउट प्लीज जल्दी बताइए, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट कर. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट की बात करें. कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कंसर्न
चेंजिंग इधर इज एसेट्स विद और इज लाइबिलिटीज टू रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्रीज। कुल मिलाकर समझिए इसमें हम लोग क्या किन किन चीजों की बात करेंगे। एफडीआई की बात करेंगे, करंट अकाउंट की, मतलब क्वेश्चन आ गया कि यूनिलेटरल ट्रांसफर भी इंक्लूडेड ही ना, किसमें इंक्लूड करेंगे, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में, ऐसे यही क्वेश्चन आते हैं इसमें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करंट अकाउंट डेफिसिट में कब होगा, करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में कब होगा, कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होता है। कैपिटल अकाउंट में समझिए कि जितना भी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करेंगे, बोरोइंग्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जितना लोन लेंगे हम लोग, बैंकिंग कैपिटल्स हो गया, वो सब हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट रिफर्स टू द ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांसफर भैया कि जो हमने गिफ्ट आइटम की बात किया था कि हमने जो व्हाटएवर द गिफ्ट्स वी आर रिसीविंग फ्रॉम समवेयर, जो हमको मिल रहा है, जो हम दे रहे हैं, उनके बीच का जो गैप होगा उसी को, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस में जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो कैपिटल अकाउंट में वी विल मोर कंसर्न अबाउट द, हमने आपको बता दिया कि इसमें हम लोग नोट कर लीजिए कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका जितना भी एफडीआई और एफआईआई की बात करेंगे, क्लियर। तो प्रतिमा समझ गए होंगे ना कि भाई यूनिलेटर में कोई गिफ्ट की बात करिए, फॉरेन एड हो गया, फॉरेन एड मतलब भाई कि जो डोनेशन दे दिया भारत सरकार ने किसी दूसरे देश को, डोनेशन दे दिया, ग्रांट दे दी, ठीक है, जो आपने एज ए गिफ्ट पैसा दे दिया, क्योंकि जो गिफ्ट्स होते हैं या डोनेशंस होती हैं या ग्रांट्स होती हैं उनमें रिकवरी नहीं होती है। ठीक है, तो जितना आपने दिया, जितना आपके पास आया, उसके बीच में गैप के चक्कर में करंट अकाउंट हमारे डेफिसिट में जा सकता है। अब कैपिटल अकाउंट की हम लोग बात करें तो कैपिटल अकाउंट में वी आर मोर कंसर्न अबाउट द एफडीआईज एंड एफआईआईज की बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की हम लोग इसमें बात करेंगे। The capital account involves inflows and outflows relating to the investment, short-term borrowings, lendings and medium terms to the long-term borrowings. कुल मिलाकर भारत में जितनी एफडीआई आ रही है, जितने भारत में जितने लोन लिए, जितनी बैंकिंग कैपिटल्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वो हमारा सब किस एनआरआई डिपॉजिट्स, जो भारत के लोग हैं, वो भारत के लोग बाहर पैसा कमा रहे हैं बट दे आर मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, वो भी हमारा एनआरआई डिपॉजिट्स भी आएगा। अब देखिए ना, इसमें बात करते हैं देयर कैन बी सरप्लस और डेफिसिट इन द कैपिटल अकाउंट, हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कब होगा, सरप्लस कब होगा। इट इंक्लूड द प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लोस, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल्स, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन, रिजर्व, गोल्ड मूवमेंट एटसेट्रा। दीज आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटिंग इन कॉमर्शियल बोरोइंग्स या मार्केट बोरोइंग्स इन कॉमर्शियल बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम एक्सटर्नल एड्स। आप नीचे वाली चारों चीजों को नोट करिए, एफडीआई इनफ्लोज, एफडीआई आउटफ्लोज। भारत की कंपनी जब दुनिया में दूसरे देशों में बिजनेस करने जाएगी उसको बोलेंगे एफडीआई का आउटफ्लो हुआ, जब बाहर की कंपनी आपके देश में व्यापार करने आएगी उसको बोलेंगे इनफ्लोज ऑफ एफडीआई। ऐसे ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, मार्केट और कॉमर्शियल बोरिंग, कॉमर्शियल बोरिंग मार्केट बोरिंग, जो मार्केट से पैसा रेज करते हैं हम लोग, मार्केट बोरिंग्स और कॉमर्शियल बोरिंग्स के तहत, जो एडीआर और जीडीआर हमने आपको बताए थे और उसको डिटेल में बताएंगे। तो मैं अभी केवल यहाँ पर नोट कर लीजिए कि मार्केट बोरिंग्स, कॉमर्शियल बोरिंग्स भी हमारा कैपिटल अकाउंट्स में आएगा। तो बोरिंग्स मतलब होता है उधारी, जब सरकार कहीं मार्केट बोरिंग्स के तहत, तो कैपिटल कॉमर्शियल बोरिंग्स के तहत क्या करती है, पैसा उठाती है। अगर आपने पैसा अपने देश में ली, आप बाहर से पैसा आपके देश में आया, वो हमारा इनफ्लोज में आएगा। भारत इंडिया ने अगर वो पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट किया है वो हमारा आउटफ्लोज में जाएगा। ऐसे लोन फ्रॉम एक्सटर्नल एड्स, लोन अगर दे रहे हैं हम लोग, भारत ने कहीं पर लोन दिए हैं, वो हमारा किस में जाएगा, आउटफ्लोज में। और जो लोन भारत को मिले, अगर भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया, या कोई दुनिया की दूसरी सरकारों, गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले लेंगे, तो ठीक है। तो यहां पर समझिए इसमें क्या होता है, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लोज। इनफ्लोज क्या होता है, जो आपके सब कुछ आएगा, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में आएगी उसको बोले, वो आएगा इनफ्लोज में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, मतलब जो जितना पैसा, जितनी कैपिटल आपके यहाँ आएगी, दैट विल बी कम्स अंडर द इनफ्लोज। अगर भारत की कंपनी, टाटा की बात करेंगे, रिलायंस का बात करेंगे, विप्रो का बात करेंगे, तो बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, इफ
दे आर स्टार्टिंग देयर प्लांट इन सम अदर कंट्रीज, इफ दे आर स्टार्टिंग देयर प्लांट इन अफ्रीका और साउथ अमेरिका और सम फॉरेन कंट्रीज, इट विल बी गोज टू द आउटफ्लोज. सिंपल. ऐसे ही भारत अगर लोन दे रहा है वो आउटफ्लोज में जाएगा, भारत अगर लोन, भारत को लोन अगर मिल रहा है वो हमारा इनफ्लोज में जाएगा. ठीक है, तो सिंपल हो गया इनफ्लोज आउटफ्लोज. तो अब यहां पर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट हमारा डेफिसिट में कब जाएगा या कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में कब जाएगा. सिंपल है, कैपिटल एक अगर हमारा इफ इनफ्लोज इज ग्रेटर देन आउटफ्लोज, अगर आपका इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा हो गया तो हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में रहेगा, मतलब फायदा रहेगा आपको. अगर आपका इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है आपका, तो हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में जाएगा. सिंपल. जब आपके इफ यू आर गेटिंग द मोर इनफ्लोज एज कंपेयर टू द आउटफ्लोज, देन इट विल बी गोज टू द सरप्लस. कैपिटल अकाउंट इज इन अ सरप्लस पोजिशन. इफ यूर आउटफ्लोज इज ग्रेटर देन द इनफ्लोज, देन इट विल बी गोज, कैपिटल अकाउंट विल बी इन अ डेफिसिट, मतलब नुकसान, घाटा. सिंपल. कोई डाउट? कैपिटल अकाउंट्स में हमने चार चीजों का बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मार्केट एंड कॉमर्शियल बोरोइंग्स एंड लोन फ्रॉम एक्सटर्नल एड्स. बैंकिंग कैपिटल्स में हमने आपको बताया, शॉर्ट टर्म्स लोन जो ले रहे हैं, दैट ऑल द थिंग्स विल बी कम अंडर द कैपिटल अकाउंट्स. प्लीज बताइए कोई डाउट हो. प्लीज रिस्पॉन्ड इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट एज टिल नाउ. किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक की तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे. बहुत सारा टॉपिक बचा है आज का, बहुत लेंथी टॉपिक है, तो हम लोग जोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन इवन स्टिल इट विल बी टेकन अंदर 20-30 मिनट्स. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब कोई आपके, मतलब देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है. देखिए हमने आपको बताया ये सब चीजें यहाँ पे समझने वाला नहीं है, कि हम आपको ये बता दें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं. आप ये देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कब हमारा इनफ्लोज होगा, कब हमारा आउटफ्लोज होगा, कब हमारा डेफिसिट होगा, कब हमारा सरप्लस होगा, फिर भी आपको बता रहे दोनों को. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, जब डायरेक्ट सीधा सीधा लोग आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ रही है, दे आर स्टार्टिंग देयर प्लांट इन इंडिया, वो यहाँ भारत में सीधा सीधा आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके वो प्लांट स्टार्ट कर दिया. ठीक है, वो तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया कि कुछ लोग अपना डायरेक्टली दे आर कमिंग विद देयर मनी एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे आपने कभी कभार सुना होगा एज एन अ पोर्टफोलियो की फेसबुक को फंडिंग मिल गया, बाइजूस को फंडिंग मिला, या व्हाइट हार्ट को फंडिंग मिला, जो नए नए स्टार्टअप्स हो गए, ये जो भारतीय कंपनीज हैं दुनिया की दूसरे. अभी जैसे फेसबुक, उसने गूगल ने इसमें इन्वेस्ट किया है, क्या बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है गूगल. ठीक है, तो ऐसे कई बार होता है कि जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट किया, तो ऐसे कई बार होता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत एक पूरा फॉरेन विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर पैसा इन्वेस्टमेंट करती हैं. कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उससे सीधा होता है कि कंपनी अपना जाता है, अपना प्लांट स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस करता है, अपने नाम से व्यापार करता है. इफ एप्पल हैज स्टार्टेड देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इफ एप्पल आर कमिंग विद सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी, वो कुछ पैसा लेकर आ रहे हैं, बट भारत के किसी आईटी फर्म्स में पैसा लगा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. मतलब नाम उसी कंपनी का यूज होगा जिसमें पैसा लगा रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट कौन कर रहे हैं, अदर कंपनी कर रहे हैं. तो ऐसे कई बार होता रहता है, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दे आर मेकिंग सम सर्टेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन अ डिफरेंट स्मॉल स्टार्टअप्स. ठीक है, और संध्या में आप बता रहे थे मार्केट बोरोइंग्स एंड कॉमर्शियल बोरोइंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं. जब लोग मार्केट से पैसा रेज करते हैं, देखिए एक जैसे भारत में भारत सरकार ने अगर भारत से पैसा रेज करना है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा. भारत सरकार ने कि दुनिया के दूसरे देशों में कुछ कोई बॉन्ड्स इशू कर दिए, डिवेंचर्स इशू कर दिए, किसी भी तरह से मार्केट से पैसा रेज किया, मार्केट से पैसा उठाया, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डेप्ट्स. ठीक है, तो पब्लिक डेप्ट के तहत आपने मार्केट से पैसा उठाया दुनिया के दूसरे देशों से, वो हमारा इनफ्लोज में आ जाएगा. ऐसे दुनिया के किसी दूसरे देशों ने कुछ अमेरिकन डिपोजिटरी राइट्स या ग्लोबल डिपोजिटरी राइट्स, जो हम आपको बताए भी थे रिजर्व बैंक के दौरान,
ठीक है, और सॉरी उसके दौरान ने आपको एडीआर जीडीआर आपको इनकल आईएमएफ में भी बताएं, उससे पहले भी आपको बताएं, अपने अभी हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे उसमें आपको एडीआर जीडीआर भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर मार्केट बोरिंग्स और कमर्शियल बोरिंग्स में समझ लीजिए, जब सरकारें, जब दुनिया का कोई भी देश दूसरे देशों से पब्लिक डेब्ट के थ्रू मार्केट से पैसा रेज करता है, अब ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट बोरिंग्स और कमर्शियल बोरिंग्स। तो कमर्शियल बोरिंग्स हम लोग किस तरीके से करते हैं, कोई आपने कमर्शियल पेपर इशू कर दिया, आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, डिवेंचर्स इशू कर दिए, सिक्योरिटीज, मार्केट सिक्योरिटीज इशू कर दी, ठीक है। तो मार्केट सिक्योरिटीज के तहत आपने ट्रेजरी बिल्स के तहत और कुछ सर्टेन बॉन्ड्स के तहत इफ यू आर रेजिंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम सम फॉरेन कंट्रीज, इट विल बी इंक्लूडेड इन अ कैपिटल अकाउंट्स। प्रतिमा अभी हमने बता दिया बेटा, अब आप सबको इंडिविजुअल तो नहीं बताएंगे, अभी तो उन्होंने पूछा था, आई थिंक श्रेया ने पूछा था, तो हमने बता दिया कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आगे हम लास्ट टाइम आपको बता रहे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया जब बड़ी बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी में जाके सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे आर इन्वेस्टिंग, एक सीधा सीधा आकर बिजनेस स्टार्ट कर देती है दूसरे देश में जाके, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इफ अगर दूसरा देश, अगर कोई बड़ी कंपनी आ रही है कुछ पैसा लेकर आ रही है, दे आर स्टार्टिंग, दे आर इन्वेस्टिंग दोज मनी इन डिफरेंट कंपनीज। जैसे कई बार अभी फेसबुक ने वाइजूस, वाइजूस का नाम सुना होगा, एक कंपनी है जो उसके आजकल तो टीचिंग में भी आया, हायर एजुकेशन में भी, मोबाइल एप्लीकेशन है, एजुकेशनल स्टार्टअप ही है। तो अभी फेसबुक ने वाइजूस में पैसा लगाया है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो इफ फॉरेन कंपनीज आर मेकिंग सम सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन अ डिफरेंट इन अ इंडियन फॉर्म्स, इट विल बिकम अंडर द इनफ्लोज ऑफ फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन अ सेम मैनर। भारत की कंपनी या भारत की सरकार दुनिया के दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, हाँ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की बात करेंगे। तो थ्री अकाउंट्स, आईएमएफ, एसडीआर, रिजर्व एंड द मॉनेटरी गोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द रिजर्व अकाउंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जितना पैसा रखा हुआ है, स्पेशल ट्राइंग राइट हमने कल ही बताया आपको, इसको नहीं, रिजर्व भाई फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, मॉनेटरी गोल्ड्स की बात कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में कुछ भी बात नहीं करेंगे, जितना ओवरऑल हमारे पास फॉरेन करेंसी है, रिजर्व है, वो हमारा सब रिजर्व अकाउंट में आता है। आईएमएफ अकाउंट कंटेन परचेजेस क्रेडिट एंड रीपर्चेस डेबिट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। तो आप कुछ ही, आपने कुछ एसडीआर हमने आपको कल बताया था कि स्पेशल ड्राइंग राइट इज एन इन्वेंटेड करेंसी या इधर इज ए आर्टिफिशियल करेंसी ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आपने कुछ भी एसडीआर ले लिया, आपने मान ली आपको अपनी फॉरेन करेंसी बढ़ाना है, आपको अपना रिजर्व बढ़ाना है, आपने कुछ पैसा देकर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से एसडीआर खरीद लिया, ठीक है। तो जो एसडीआर खरीदेंगे वो एसडीआर आपके पास रिजर्व रहेगा ना, तो वही रिजर्व, जितनी फॉरेन करेंसी की बात करेंगे हम लोग, गोल्ड की बात करेंगे, वो हमारा किसमें आएगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंतर्गत उन सब चीजों को हम लोग रखेंगे। भैया यहां पर हम लोग परचेस करेंगे तो हमारा क्रेडिट में आएगा, रीपर्चेस हमारा डेबिट में जाएगा, मतलब हमने कोई भी चीज खरीदी है तो जो हमारे पास आई आया क्या हमारे पास, मेरे पास एसडीआर, आप अगर एसडीआर खरीदोगे आपके पास एसडीआर आएगा, जाएगा क्या इंडियन रुपीज, तो इंडियन रुपीज हमारा डेबिट हो जाएगा, रिजर्व हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो स्पेशल ड्राइंग राइट आ रहे रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड एलोकेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द मेंबर कंट्रीज, इट कैन बी यूज टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट बिटवीन द मॉनिटरी अथॉरिटीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, सिंपल। कल ही हमने बताया था आपको, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में सिंपल कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट, आपका करंट अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट अगर आपका सरप्लस में होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हम लोग किन रिजर्व की बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो रिजर्व है, स्पेशल ड्राइंग राइट का आपके पास जो रिजर्व है, फॉरन करेंसीज का जो रिजर्व है, आपके पास जितना गोल्ड है, इन सब चीजों को इंक्लूड करके हम लोग किस में रखेंगे, रिजर्व अकाउंट में रखेंगे। जो चीजें हम लोग खरीदेंगे, जो आएगा हमारे पास, अगर फॉरन करेंसी हमारे पास आती है, वो हमारी क्रेडिट में जाएगी, जो उसके बदले हम जो पेमेंट करेंगे, भाई विदेशी मुद्रा खरीदेंगे, फॉरेन करेंसी, व्हेन एवर यू आर जस्ट लुकिंग फॉर टू बाय सम सर्टेन फॉरेन करेंसीज, यू हैव टू बी मेक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी, आपको कहना कि इंडियन रुपीज में पेमेंट करना पड़ेगा, वो हमारा डेबिट में जाएगा, सिंपल। फिर एरर्स एंड ओमिशंस, ये कुछ अकाउंट नहीं होता, फिर भी आपको मैं यहां पर बता दे रहा हूं, द एंट्रीज अंडर दिस हैड रिलेट मेनली टू द लीड्स एंड लैक्स इन द रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, मतलब वही भूल चूक लेनी देनी जिसको हम लोग बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशंस, मतलब कुछ सर्टेन रूप, कोई सर्टेन कोई मिस्टेक्स हो गई हमारी कुछ एंट्री ऊपर नीचे करने में, तो एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट के तहत उसको हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन कर लेंगे। इट इज आवर बैलेंसिंग एंट्री एंड इट नीडेड टू ऑफसेट द ओवर स्टेटेड ऑफ अंडर स्टेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है,
मतलब कोई भी एंट्री आपने गलत कर दी, कुछ ज्यादा एंट्री हो गई, कुछ कम एंट्री हुई, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल हम लोग बैलेंस करेंगे भाई। रिसीप्ट में क्रेडिट हो गया, पेमेंट हमारा डेबिट में होगा, हमने पहले बताया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिसीप्ट, यूनिलैटरल रिसीप्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भाई, चेंजेस इन रिजर्व, चेंजेस इन द, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मान लीजिए ये आपको दिखा दे रहे हैं, कुल मिलाकर मान लो कोई भी एंट्री आपने गलत आपने एंट्री कर दिया है किसी भी अकाउंट के तहत, हम लोग क्या करेंगे, एरर्स एंड ऑमिशन अकाउंट के तहत हम लोग इसको क्या करेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक, कोई डाउट? अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? अभी तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत हद तक कि डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मीन्स कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। जब आपका देखिए एक्सेस सरप्लस होगा तब भी आपका डिसइक्विलिब्रियम हो गया। डिसइक्विलिब्रियम मतलब अनबैलेंस, इम्बैलेंस, ठीक है। हम लोग इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका बहुत ज्यादा सरप्लस है तब भी आपका डिसइक्विलिब्रियम है, आपका बहुत ज्यादा डेफिसिट है तब भी आपका डिसइक्विलिब्रियम है। तो ये सरप्लस इन द बीओपी अकर्स व्हेन द टोटल रिसीप्ट एक्सीड द टोटल पेमेंट। आपकी आपके पास इनकम ज्यादा आ रही है, पेमेंट आपने कम किया, इफ योर टोटल रिसीट इज एक्सीडिंग एंड द टोटल पेमेंट इट विल बी गोज टू द सरप्लस। भाई इसका उल्टा हो जाएगा, जब आपके पास पेमेंट आप ज्यादा कर रहे हो, इनकम कम आ रहा है, तो हमारा डेफिसिट हो जाएगा। सिंपल, ये तो समझ गए होंगे ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम की कॉजेस क्या होंगे, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेजेस क्या होंगी? जब आपका क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। इफ क्रेडिट इज लेस देन डेबिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। प्लीज रिप्लाई करिए कोई डाउट। संध्या मैम, प्रतिमा मैम, आप, काजल, श्रेया, आप, रोहित, यू, एनीबडी से हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया। तो काजल दोबारा पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा आपको, मैं पता आप कर लेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में कौन कौन से कारणों की वजह से, कौन कौन से रीजंस की वजह से हमारा बीओपी का अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज पर जाता है, ठीक है। तो पहला हो गया साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हम लोगों को पता ही है कि साइकिल के चक्कर में, मतलब इन द सेंस कि रेगुलर जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हमारा कोई कमी हो गया भाई, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो गए, ठीक है। तो समझ लीजिए मार्केट में डिमांड ही कम है, ठीक है। तो एक रेगुलर जो साइकिल चल रही है हमारा, ड्यू टू सम सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हो रहा है उनकी वजह से वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हमारा हो गया। शॉर्टफॉल इन द एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट कम किया इम्पोर्ट ज्यादा कर लिए तब हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश ही ग्रोथ नहीं कर रहा, जैसे अभी हम लोग बात कर सकते हैं कि देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, देश में पूरा पैनेडेमिक है, पूरा अक्रॉस द ग्लोब है। तो अगर आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, सॉरी, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज अगेन वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। क्यों? अगर मान लो रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन होगा, आपके आपके देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आपकी कंपनी जो आपके आपके देश की जो कंपनी है वो लोकल की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इफ दोज कंपनीज आर नॉट एबल टू मीट आउट द लोकल डिमांड, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी गो फॉर द इंपोर्टिंग ऑफ द दोज आइटम्स। भारत में भी तो यही होता है ना, बहुत सारी, ठीक है, भारत में बहुत सारी चीजों का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। ड्यू टू सम सर्टेन मास पॉपुलेशन इन इंडिया, वी हैव अराउंड मोर देन द 140 करोड़, 135-140 करोड़ तो बोलते ही है, तो वी हैव अराउंड द 140 करोड़ पीपल्स इन इंडिया। और इफ वाइल टॉकिंग अबाउट द मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। इफ अबर अबर इंडस्ट्रीज आर नॉट एबल टू मीट आउट द डिमांड एंड सप्लाई,
तो व्हाट वी हैव टू डू, कहीं ना कहीं हमको चाह ना चाह कर भी हमको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इम्पोर्ट कराना पड़ता है. तो वी हैव टू बी गो फॉर द इम्पोर्टिंग ऑफ द दोज आइटम. अगेन अगर हम इम्पोर्ट ज्यादा कराएंगे इट विल बी लीड्स टू द क्रिएट द डिसइक्विलिब्रियम इन द पीओपी. तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, जो स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चरल चेंज को बोलते हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते हैं, जैसे नोटबंदी हो गया स्ट्रक्चर हो गया, जीएसटी आ गया तो जीएसटी ठीक है, जो ये जो हम लोग ऑन द ड्यू टू सम सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन आवर इकोनॉमी, तो वो भी कहीं ना कहीं उन सब चीजों की वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम में जाता है. तो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया तो हम लोग मतलब जो व्हाट एवर द स्ट्रक्चर हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, इफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज आर मेकिंग सम सर्टेन अरेंजमेंट और मेकिंग सम सर्टेन अमेंडमेंट्स ऑन ए दोज पॉलिसीज, ठीक है, तो हम लोग को स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में, तो कहीं ना कहीं उन सब वजहों से भी हमारा बीओपी का अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम में जाता है. अब देखिए नोटबंदी किया उससे भी इम्पैक्ट पड़ा, जीएसटी भी बाद अगेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो ऐसे कोई भी हम लोगों ने रिफॉर्म्स किया कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस किया इकोनॉमी में उसकी वजह से भी हमारा बीओपी का अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में जाता है. नेशनल ठीक है, तो नेशनल काम कुछ भी हो गया हमारा, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, सॉरी नेचुरल कामिटीज की बात करेंगे हम, तो उसमें आपका नेचुरल डिजास्टर्स हो गया हमारे, कभी फ्लड्स आ गए, कभी भूकंप हो गया, कभी अर्थक्वेक हो गया, तो इन सब चीजों के चक्कर में बीओपी का अकाउंट जाता है. इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट सिंपल भाई, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट की हम लोग बात करें एफडीआई एफआईआई की बात करें, इफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, भारतीय कंपनियां दुनिया के दूसरे देशों में जाके ज्यादा अगर व्यापार कर देंगी, ज्यादा अगर आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा तब भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा. अगर विदेशी कंपनियां भारत में बहुत ज्यादा आ जाएंगी उसके चक्कर में भी आपका डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा. ये समझ लीजिए कि यहां पर एक्सेस सरप्लस भी नुकसान है, एक्सेस डेफिसिट भी नुकसान है. ठीक है, डेफिसिट तो थोड़ा सा भी नुकसान है भाई, घाटा तो घाटा होता है, लेकिन अगर आपके देश में एक्सेस सरप्लस जा रहा है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट, करंट अकाउंट की बात करिए, कैपिटल अकाउंट की बात करिए, देखिए करंट अकाउंट आपका सरप्लस में क्यों जाए, कब जाएगा, जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे इंपोर्ट कम करेंगे, ऐसे ही. तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसे कैपिटल अकाउंट का अकाउंट आपका सरप्लस में कब जाएगा, जब एफडीआई आपके देश में ज्यादा आएंगी, बाहरी कंपनी आपके देश में ज्यादा व्यापार करेंगी और भारतीय कंपनियां बाहर कम जाएंगी. देखिए तो अगर शॉर्ट पीरियड में देखेंगे ना, शॉर्टर पीरियड में देखेंगे तो आपका तो फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट आपका सरप्लस में जाएगा, करंट अकाउंट की बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, शॉर्ट रन में बहुत फायदा लगेगा आपको, कहीं फॉरेन रिजर्व आ रही है आपको अच्छा लगेगा, बट अगर हम लोग लॉन्ग रन की बात करेंगे तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द इकॉनमी. अब वो कैसे, तो ज्यादा अगर मान लो, अगर मान लो आपके जारज को मतलब हम लोग प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपके देश में नेचुरल बहुत जो नेचुरल क्लाइमेट है आपका, नेचुरल अमेनिटीज हैं, इट विल बी इम्पैक्ट, ये बहुत बुरी तरह से खराब होंगी आपकी, आपका क्लाइमेट खराब होगा, आपका पानी खराब होगा, आपकी हवा खराब होगा, आपका मिट्टी खराब होगा, तो कहीं ना कहीं देर विल बी एक्सप्लाइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द लॉन्ग रन, आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है अगर अगर आप बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. अगर हम लोग चाइना का बात करते हैं तो चाइना ने 1970 से लेकर आज, चाइना इज टोटली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री, आप लोगों को पता ही है, दुनिया का हर चीज, मतलब छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे, रिलीजियस चीजों का बात करेंगे, दुनिया का कुछ किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल आता है तो कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्ट हैज डोमिनेटेड द मार्केट और स्टिल दे आर डोमिनेटिंग. तो कहीं ना कहीं दे हैव सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल 10 सालों से चाइना की इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन में जा रही है. क्यों, कहीं ना कहीं वो पूरा एक उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई थी, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रहे थे. अब कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, पानी लिमिटेड है, क्लाइमेट लिमिटेड है हमारा, जमीन लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है. एक टाइम के बाद क्या होगा आपका, क्या होगा आपके, दूसरा क्या होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा सरप्लस होता है आपका, तो ऐसे देश में दुनिया की कोई कंपनी बाहर बहुत ज्यादा बिजनेस करने लॉन्ग टर्म में नहीं आएगी. ठीक है, तो एक्सेस सरप्लस इज ऑल्सो हार्मफुल, एक्सेस डेफिसिट इज, डेफिसिट तो छोटा सा भी नुकसान है, अगर जरा सा भी अगर घाटा है तो घाटा तो घाटा ही है, लेकिन सरप्लस भी है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट, वो भी आपके लिए नुकसान की बात है. अब बात करते हैं व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन अ बीओपी. हम लोग जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम का है उसमें उसको कैसे, उसको करेक्ट कैसे करेंगे, उसको इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में कैसे लेके आएंगे, उसको लोग बैलेंस कैसे करेंगे, उसको सुधारेंगे कैसे. पहला आ गया मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी,
मॉनिटरी मेजर्स में पहला हो गया द मॉनिटरी पॉलिसीज कंसर्न विद द मनी सप्लाई एंड द क्रेडिट इन द इकॉनमी। द सेंट्रल बैंक में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर्स विच विल अफेक्ट द प्राइसेस। सिंपल समझिए, देखिए एक होता है हाई इन्फ्लेशन, हाई डोमेस्टिक प्राइस, देखिए इसमें एक हाई डोमेस्टिक प्राइसेस भी हम लोग लिख सकते हैं। हाई डोमेस्टिक प्राइसेस भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए भारत में हम लोग बहुत सारी चीजें चाइनीज क्यों खरीदते हैं, कहीं ना कहीं भारत की जो चीजें होती है, दीपावली के टाइम में देखेंगे तो चाइनीज आइटम्स होते हैं, चाइनीज के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करेंगे, दे आर सेलिंग एट अ चीपर रेट एज कम्पेयर टू द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। सो समटाइम्स व्हाट वी हैव टू डू कि भारत की चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, इसलिए हम लोगों को बाहर की चीजों को इम्पोर्ट कराना पड़ता है। तो मॉनिटरी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि किस कैसे मॉनिटरी पॉलिसी के तहत, मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को हम लोग डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम लाएंगे। तो मॉनिटरी पॉलिसी हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में, हमारे लेक्चर 1 से लेकर 9 लेक्चर तक ही देखेंगे, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 और 3 में आपको मॉनिटरी पॉलिसी देखने को मिलेगा। तो मॉनिटरी पॉलिसी के तहत हम लोग कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, आपको पता ही है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के तहत हम लोग कैसे लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं। तो मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपको पता है अगर मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली आपको, अगर मान लीजिए देश की चीजें, भारत की चीजें अगर सस्ती होंगी, इफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर द चीपर एज कम्पेयर टू द फॉरेन गुड्स, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी डोंट नीड टू गो फॉर द इम्पोर्टिंग ऑफ द दोज आइटम्स। समझ गए, अगर मॉनिटरी पॉलिसी के तहत आपने क्या करा, भारत में हमने आपको बताया भी था मॉनिटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट, आपने महंगाई की दरें कंट्रोल कर ली, तो अगर देश भारत की मैन्युफैक्चरिंग की चीजें सस्ती हैं तो आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। सिंपल बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी भी लेक्चर नंबर 3 या 4 में पढ़ा होगा, मॉनिटरी पॉलिसी के नेक्स्ट डे फिस्कल पॉलिसी पढ़ाया था। फिस्कल पॉलिसी हमको पता है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है, आरबीआई बनाती है, मॉनिटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी अपना भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की बनाती है। तो फिस्कल पॉलिसी के हमने आपको इंस्ट्रूमेंट 2 बताए थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में आपको बताया था कि सबसे बड़ा मेन सोर्सेस क्या होता है फिस्कल रेवेन्यू का, टैक्सेस। तो फिस्कल पॉलिसी इज ए गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इनकम्स डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इट गेट्स इनकम थ्रू टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन सोर्सेज, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज और डिक्रीज। अगर सरकार अपने खर्चे ज्यादा बढ़ा देगी, सरकार ने सब्सिडीज देना शुरू कर दिया, सरकार ने अगर मान भारत के प्रोडक्ट में सब्सिडीज देना शुरू कर दिया, सामान अपने आप ही सस्ता हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। दूसरा क्या कर सकती है सरकार, टैक्सेस बढ़ा सकती है। इफ गवर्नमेंट ने विदेशी सामानों पर, मान लीजिए कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे, एक्साइज ड्यूटी की बात करेंगे, इफ द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, सरकार ने अगर टैक्सेस बढ़ा दिए, सरकार ने कोई कुछ और लीगल फैक्टर्स बढ़ा दिए उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं हमारा इम्पोर्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, हमने आपको कल बताया था मॉनिटरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पढ़ाने के टाइम में कि करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक बार हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं। करेंसी एप्रिसिएशन, अगर नॉर्मल प्राइस इज $1 इक्वल टू 50 रुपीज, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस, अगर $1 ₹50 से ₹45 हो गया तो भारत का करेंसी अप्रिशिएट हो गई, क्योंकि पहले आपको $1 के लिए ₹50 देने पड़ रहे थे, अब आपको $1 के लिए ₹45 देने पड़ रहा है। तो ऐसे अगर ₹50 का ₹55 होगा तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएशन भी आपके देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, $1 इक्वल टू 50 की जगह 55 हो गया, तो चीजें कॉस्टली हो जाएंगी। मान लीजिए आपने कहीं अमेरिका से कोई सामान इम्पोर्ट कराया तो उसकी कीमत थी $10, तो पहले डॉलर की कीमत थी ₹50, तो 50 × 10 कितना हो गया ₹500। सिंपल वही बात, अगर मान लो करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, $1 इक्वल टू ₹55 हो गया, तो आपको 50 की जगह ₹55, तो 55 × 10 ₹550 आपको पे करना पड़ेंगे। तो ये है कि करेंसी डेप्रिशिएशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम लोग करेंसी डेप्रिशिएट करके भी कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम कर सकते हैं। होता क्या है, जब आपको अपना एक्सपोर्ट पर रोक लगाना होता है, बाई रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी गवर्नमेंट कैन करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी इन द इकॉनमी, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी। यही बताया ना आपको कि एक जब एक्सचेंज डेप्रिसिएशन से हमारी आपकी होम करेंसी की वैल्यू रिड्यूस होगी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी, एज ए रिजल्ट इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर, इम्पोर्ट करना कॉस्टली पड़ जाएगा, एक्सपोर्ट बिकम चीपर, तो इट ऑल्सो लीड्स टू द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द
कंट्री, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको इंपोर्ट कराना जब महंगा पड़ेगा, जब आपको इंपोर्ट कराना कहीं महंगा पड़ेगा तो क्या होगा, हम लोग इंपोर्ट कम कराएंगे, सिंपल। उससे भी हम लोग बीओपी का अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। फिर डिवैल्यूएशन, देखिए डेप्रिसिएशन आपको फिस्कल पॉलिसी के तहत ये बताया था हमने, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन बोथ आर द सेम थिंग। डेप्रिसिएशन जो होता है करेंसी की वैल्यू जो डाउन होती है, जो वो होती है मार्केट के फैक्टर्स की वजह से, मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जो व्हेन द कंट्रीज करेंसीज वैल्यूज डेप्रिसिएशन ड्यू टू द मार्केट फैक्टर्स, मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से जो होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब सरकार जानबूझ के अपनी करेंसीज की वैल्यू को डीवैल्यूड करती है, एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं बढ़ावा के लिए, इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीवैल्यूएशन कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, डीवैल्यूएशन इज ऑल अबाउट जब व्हेन द गवर्नमेंट डेलिबरेटली डिक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। सब सरकार जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करता है उसको हम लोग डीवैल्यूएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन जब मार्केट फैक्टर्स की वजह से, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, अंतरराष्ट्रीय बाजार की वजह से सब करेंसी की वैल्यू डाउन होती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट हो गया डिफ्लेशन। आप जब मार्केट में डिफ्लेशन क्रिएट कर लीजिए तब भी आप डिसइक्विलिब्रियम ला सकते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जो डिफ्लेशन इज द रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ द मनी टू रिड्यूस द प्राइसेस एंड इनकम इन द डोमेस्टिक मार्केट। व्हेन द करेंसी इज डिफ्लेटेड देयर इज अ डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल, दस पुट कर्व ऑन द कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल, देखिए हम लोग डिफ्लेशन क्रिएट करके भी मार्केट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। डिफ्लेशन देखिए, एक होता है बन, एक प्रोडक्ट मान लीजिए कि एक किलो चीनी एक 40 रुपए का, वो 50 रुपए में चली गई इन्फ्लेशन हो गया, वो 30 रुपए में चली गई वो डिफ्लेशन हो गया। जब आप मार्केट में डिफ्लेशन क्रिएट कर लेंगे, आपके देश में चीजें अगर सस्ती होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इम्पोर्ट नहीं कराएंगे। दूसरा, डिफ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट में मंदी लाने से, कि आपके देश में चीजों की डिमांड कम होगी। जब आपके देश में चीजों की डिमांड कम होगी तो जो एक्सेस सप्लाई बचेगी, आपने प्रोडक्ट की 100 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी थी, सपोज दैट मार्केट में डिमांड 80 की है, 20 बच गया। देखिए कोई चीजें महंगी सस्ती कैसे होती हैं, सिंपल इकोनॉमिक रूल क्या है, इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, अगर सप्लाई 50 की है खरीदने वाले 100 है, चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर मार्केट में चीजें 100 है खरीदने वाले 50 है, मार्केट में मंदी हो जाएगी। तो सरकार क्या करती है, कभी कभार जानबूझ के डिफ्लेशन ले आती है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत और फिस्कल पॉलिसी के तहत। भाई मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी तो आरबीआई और सरकार दोनों लोग मिलकर कभी कभार डिफ्लेशन क्रिएट कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक तो मार्केट में मंदी आ जाती है तो बाहर की चीजें हम लोग इंपोर्ट नहीं कराते क्योंकि भारत में चीजें सस्ती मिलती हैं। दूसरा, जब भारत में डिमांड चीजों की कम हो जाएगी, जो हमारा एक्सेस सरप्लस बचेगा प्रोडक्शन का, उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। खरीदने वाले 80 लोग हैं, मार्केट में सप्लाई 100 की है, तो 20 बचेंगे हमारे प्रोडक्ट, उनको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। उससे हमारे पास देश के पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, फॉरेन रिजर्व आएगा, ठीक। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक्सचेंज कंट्रोल। भाई एक्सचेंज कंट्रोल यहां पर भाई करेंसी अप्रिसिएशन करेंसी डेप्रिसिएशन की हम बात करेंगे। ऑल एक्सपोर्टर्स आर डायरेक्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज टू सरेंडर देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड टोटल अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज राशन, ठीक है, राशन अमॉन्ग द लाइसेंस इम्पोर्ट्स, ठीक है, एंड द लाइसेंसर होल्डर कैन इम्पोर्ट एनी गुड बट अमाउंट इज फिक्स बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। सिंपल सी बात है, एक्सचेंज कंट्रोल के तहत हम लोग क्या करेंगे, अपनी करेंसीज की वैल्यू को स्टेबल रखेंगे। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट इक्विलिब्रियम रहेगा। ये तो हमारे हो गए मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स भी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, डिफ्लेशन एंड एक्सचेंज कंट्रोल। तो एक्सचेंज कंट्रोल भी हम यहाँ पे हम करेंसी अप्रिसिएशन करेंसी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, जो हमने अभी आपको डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन बताया था, ठीक है। डेप्रिसिएशन के तहत हम लोग कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे, इंपोर्ट को रोक लगा देंगे, ऐसे ही हम लोग अप्रिसिएशन के तहत क्या करेंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट रोक लग जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है कि आपको कहाँ चाह रहे हैं, आपको सरप्लस से डेफिसिट करना है या डेफिसिट से सरप्लस करना है। वो हमारे मॉनेटरी मेजर्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में हम लोग बात कर रहे हैं नंबर की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं। नॉन मॉनेटरी मेजर्स में क्वालिटेटिव में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पैसे की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग दूसरे तरीके से चीजों को रोक लगाएंगे या दूसरे कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट को अकाउंट को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम लाएंगे। तो इसमें पहले नॉन मॉनेटरी मेजर्स हो गए। नॉन मॉनेटरी मेजर्स में पहले हो गए एक्सपोर्ट प्रमोशंस, आप एक्सपोर्ट को प्रमोशन करिए। टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट प्रमोशन द कंट्री मे अडॉप्ट मेजर्स टू स्टिमुलेट द एक्सपोर्ट लाइक एक्सपोर्ट ड्यूटीज मे बी रिड्यूस टू द बूस्ट एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट की ड्यूटीज कम कर दीजिए।
कैश असिस्टेंस दीजिए, कैश की सुविधा दीजिए उसको। सब्सिडीज कैन बी गिवन टू द एक्सपोर्टर्स टू द इंक्रीज द एक्सपोर्ट, जो आपके भारत में एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करिए। गुड्स मीन फॉर एक्सपोर्ट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। मान ली भारत में कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसने 100 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी, 50 तो लोकल की डिमांड पूरी करने के लिए किया, उस पर टैक्स ले लीजिए, लेकिन जो 50 प्रोडक्ट हमने भारत बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए थे ऐसे सामान को आप क्या करिए, उस पर टैक्स फ्री कर दीजिए। तो लोग अगर टैक्स फ्री होगा तो लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आप फायदा तो कहीं ना कहीं सरकार को ही होगा, तो ओवरऑल सरकार को कहीं ना कहीं फर्नीचर मिलेगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन समझ गए आप, कहीं ना कहीं अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके या कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करके, सब्सिडीज देके, या एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग है उसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए सारे तरीके के टैक्सेस से। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट साम से समझ में आ रहा है, जो सामान हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं उसे कुछ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर भारत में निकाल लिया आपने, मान लीजिए आप मान लीजिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आज से 10 साल पहले भारत में एक दो कंपनी थी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में थी, अगर हम आज भारत की बात करेंगे तो इंडिया में वी हैव अराउंड मोर देन 3000 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। तो कहने का हमको आज बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं कराना पड़ रहा मोबाइल, मैक्सिमम चीजें जो बाहरी कंपनियों के भी मोबाइल बन वो भारत में ही रहे हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नाम से समझ में आ रहा है, जो चीज हम लोग इंपोर्ट करा रहे थे उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमने भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, देन वी डोंट नीड टू गो फॉर द इंपोर्टिंग ऑफ द दोज प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा भारत में बना लेंगे। तो स्टेप्स मे बी टेकन टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, दिस विल सेव द फॉरन एक्सचेंज इन द शॉर्ट रन बाई रिप्लेसिंग द यूज ऑफ द इंपोर्ट बाई दीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। सिंपल है ना, हम लोग उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी भाई, हम लोग अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो विदेशी मुद्रा खर्चा नहीं करने पड़ेगी, वो आपके पास बचा रहेगा, बट उस ऐसे प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपने भारत में अपने किसी कंपनी से थ्रू अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करके एंड यू हैव स्टार्टेड सम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। फिर हो गया इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल होता है कि हमने इंपोर्ट पर रोक लगाना। इंपोर्ट में भी कैप्ट इन अ चेकिंग थ्रू द अडॉप्शन ऑफ वाइड वैराइटीज ऑफ मेजर्स लाइक कोटास एंड टैरिफ्स। Under the quota system, the government fixes the maximum quantity of goods and services that can be imported during a particular time period. यहाँ पर हम लोग कोटा तो टैरिफ की बात करते हैं, कोटास मतलब ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाला कोटा नहीं है, यहाँ पर कोटा हुआ आपने बोल दिया कि आपको मान लीजिए एक दुकान पे 100 प्रोडक्ट बेचना है दिन भर में, आप 20 से ज्यादा इंपोर्टेड आइटम नहीं बेच सकते, समझ रहे हैं? आपने 20-80 का रेशियो फिक्स कर दिया, 30-70 का रेशियो फिक्स कर दिया, 10-90 का रेशियो प्रोडक्ट फिक्स कर दिया, या आपने बोल दिया साल में आप 10 पूरे साल में केवल 10 ऑटो 10 कारें आप इंपोर्ट करा सकते हैं। तो सरकार क्या कर सकती है कि इंपोर्ट को रोक लगाने के लिए सरकार कोटा फिक्स कर सकती है, सर्टेन कोटा दे कैन फिक्स इट ऑल, ठीक है। फिर हो गया टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर ने बता दिया टैक्सेस जो होते हैं, व्हाट एवर द टैक्सेस एंड ड्यूटीज वी आर टेकिंग ऑन उसको टैरिफ बैरियर बोलते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस, उनको हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। तो हम लोग इंपोर्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग कोटा फिक्स कर सकते हैं कि आपको 40 आपको 10 एक साल में इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे, अगर इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे तो इससे ज्यादा बेच भी नहीं पाएंगे, उससे आप इंपोर्ट पर रोक लगा सकते हैं। दूसरा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते हैं, टैरिफ हो गया तो टैक्सेस ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, नॉन टैरिफ क्या होता है, नॉन टैरिफ होता है जो हमारा अभी आपको अगला टॉपिक हम वर्ल्ड बैंक के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे तो बहुत डिटेल में आपको टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल समझिए टैरिफ बैरियर इज ऑल अबाउट व्हाटएवर द टैक्सेस एंड ड्यूटीज व्हिच वी आर इंपोजिंग व्हाइल डूइंग सम इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर्स। एंड नॉन टैरिफ बैरियर की बात करेंगे जो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट जो बैरियर्स लगा देते हैं उनको हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। आपने बोल दिया कि नहीं आपके देश में लाल नहीं बिकेगा, आपके देश में काला नहीं बिकेगा, आपके देश में पीला नहीं बिकेगा, इन सब कौन रिलीजन के बेसिस पे आपने बोल दिया कि जैसे सऊदी अरबिया में अल्कोहल नहीं बिकता, ठीक है, तो जितनी भी अल्कोहलिक कंपनी है दे कैन नॉट सेल दे प्रोडक्ट इन सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया में गुटखा नहीं बिकता। तो ऐसे दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं, दे हैव सम सर्टेन नॉन टैरिफ बैरियर, दे हैव इम्पोज दोज नॉन टैरिफ बैरियर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज नॉन टैरिफ बैरियर्स वी आर नॉट एबल टू डू एनी ट्रेड इन दोज कंट्रीज। जैसे भारत में अगर कुछ दिन पहले क्योंकि बात करेंगे, जैसे भारत में अमेजॉन में किसी सेलर ने क्या करा था, जो फुट मैट होती है जिसमें पैर पोसते हैं हम लोग, तो वन सेलर व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द ट्राई कलर तिरंगा, ट्राई कलर ऑन द फूड मैट्स। तो ये पूरा एक कहीं ना कहीं एक हम लोगों का एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, तिरंगा से साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है एक हम लोगों का उससे पर्टिकुलर कंट्री से, ठीक है, पेट्रोलिज्म की बात आ गई। तो ये सब नॉन टैरिफ बैरियर के अंतर्गत आता है, उसमें सुषमा स्वराज जी अपनी फॉरेन मिनिस्टर थी, तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने सुबह 4 बजे किसी ने अपलोड किया था उसके
अमेजोन की वेबसाइट पे 10 मिनट में उन ये बात फॉरेन अफेयर तक ही पहुंच गई। उन्होंने तुरंत उसको बोलकर हटवाया, बोले इसको हटाइए अपनी वेबसाइट से, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, वी विल ब्लॉक योर कंपनी ना इंडिया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक बार 2007-08 की बात है, ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा, हम लोग को पता है दुर्गा पूजा आने वाला है, तो दुर्गा पूजा हम लोग को पता है कलकत्ता कलकत्ता में बहुत अच्छे से मनाई जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा तो KFC का नाम सुने होगा, KFC जो हमारा बर्गर और नॉनवेज के भी आइटम फूड कंपनी है। तो वॉट KFC इज स्टार्टेड डूइंग, KFC इज स्टार्टेड यूजिंग द बीफ, वो भी दुर्गा पूजा के दौरान। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। सऊदी अरेबिया में नाइकी का नाम सुना होगा, नाइकी जो जूता और टी शर्ट अपेरल्स और सूज में है, नाइकी हैज स्टार्टेड यूजिंग द अल्लाह साइन ऑन द नाइकी सूज। तो सऊदी अरेबिया ने नाइकी को बंद कर दिया कि नाइकी का सामान, बोला इसको तुरंत हटाइए नहीं तो आपका पूरी पूरी जिंदगी भर आपको नाइकी का सामान सऊदी अरेबिया में बेचने नहीं देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन टैरिफ बैरियर वी आर इम्पोजिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स की बात भी है ना। तो पूरे मिडिल ईस्ट में बात करेंगे तो बहुत सारे देश में दुबई में अल्कोहल मिलेगा, बट वेल टॉकिंग अबाउट द सऊदी अरेबिया यू कैन नॉट बाय द अल्कोहलिक आइटम्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन टैरिफ बैरियर। आप नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इंपोज करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। सिंपल, समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन मॉनेटरी मेजर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, इंपोर्ट कंट्रोल में कोटास, टैरिफ बैरियर। अब बताइए कोई डाउट यहां तक प्लीज। Anybody is having any doubt as of now, please tell me. So otherwise, let's start further. हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर, आज थोड़ा लेंथी हो गया। संध्या मैम, काजल, श्रेया, आप आज बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ। पूजा ने ज्वाइन नहीं किया, मनप्रीत ने ज्वाइन नहीं किया, प्रांजल हैवंट ज्वाइन, वी हैव देयर आर वेरी मेनी स्टूडेंट ऑल्सो। तो संध्या मैम, यू डू यू हैव एनी डाउट? श्रेया, यू ठीक है? तो आप, हम लोग कुछ और बात करते हैं इसमें बहुत ठीक है। तो इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, आप लोग इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना यहाँ पे। तो इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो एक कंट्रीज लाइक इंडिया विच इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट जनरली एक्सपीरियंस ए डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। हमने आपको पहले बता दिया कि भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डेफिसिट हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है सिंस 1950 1950 से वी हैव टू बी फेस सम डेफिसिट सिचुएशन इन इंडिया ठीक है। तो दिस इज द बिकॉज सच ए कंट्री रिक्वायर्स इंपोर्टेड मशीन्स, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली लॉन्च एंड कैरी आउट द प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वी आर इन द पाथ ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी आर इन द पाथ ऑफ द सर्टन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो दैट इज द ओनली थिंग कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को इम्पोर्ट कराना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम लोगों का प्रोडक्ट, इसकी वजह से हम लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डेफिसिट में जाता है। ये इंडियाज का बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, आप देखिए करंट अकाउंट हम लोगों का हमेशा डेफिसिट में रहा है ठीक है। 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2013-14 हम लोगों का ओवरऑल कई बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट हमारा, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट हमारा हमेशा डेफिसिट में, हमेशा देखिए हमेशा माइनस में ही है हमारा ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं ठीक है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन कम होते हैं एज कम्पेयर टू द करंट अकाउंट ठीक है। तो ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट में, आप करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बिल्कुल लेटेस्ट डाटा 2019 तक ही है हमारा, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा देख लीजिए, पीपीटी दे देंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रीजन फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड, कि व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द कि भारत में हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते, व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द कि वेयर वी आर एक्चुअली लैकिंग, कहां पर हम लोग लैक कर रहे हैं। तो देर आर सेवरल रीजन फॉर इंडिया पुअर परफॉर्मेंस, सम ऑफ देम कि भारत की पुअर परफॉर्मेंस क्यों होती है एक्सपोर्ट में, उसके कुछ रीजन है। एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई प्राइसेस एज कम्पेयर टू द अदर एशियन कंट्रीज, टू प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स इज हाई, प्राइसेज आर हाई ड्यू टू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ऑल्सो टू मेक द हायर प्रॉफिट ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का सामान होता है दुनिया के साथ दूसरे देशों में जाता है तो कहीं ना उसकी प्राइसेज ज्यादा होते हैं। उसका मुद्दा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है भारत में, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं हम लोग के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन में अपना ज्यादा रखते हैं।
दूसरा पुअर क्वालिटी, वो तो पता ही है, ये उतना क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं एज कम्पेयर टू द फॉरन गुड्स की बात करेंगे तो मेनी इंडियन एक्सपोर्टर्स डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द क्वालिटी कंट्रोल, सो देयर प्रोडक्ट आर ऑफ पुअर क्वालिटी. तो ड्यू टू द लो क्वालिटी मेनी टाइम्स इंडियन गुड्स आर रिजेक्टेड एंड सेंड बैक टू द इंडियन बाय द फॉरन बायर. तो कभी ना कभी आप अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, गरीब कंट्री की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका का बात करेंगे चल जाएगा, साउथ अमेरिका में भी कुछ कंट्री जो गरीब है वो ले लेंगे भाई, मगर यूरोप का बात करेंगे, चाइना का बात करेंगे, इवन मिडिल ईस्ट में बहुत अमीर कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज की बात करिए आप पूरा, ठीक है. तो ये अपना एशिया में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हैं, दे हैव सम सर्टेन इकोनॉमिक पावर, तो कहीं ना कहीं दे विल नॉट कम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, ये भी एक हमारा दिक्कत है पुअर परफॉर्मेंस का. पुअर नेगोशिएशन स्किल्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स लैक नेगोशिएशन स्किल्स ड्यू टू द पुअर ट्रेनिंग इन मार्केटिंग, दे फेल टू कन्विंस एंड इंड्यूस द फॉरन बायर्स टू प्लेस द ऑर्डर्स. यस वी हैव सम सर्टेन पुअर नेगोशिएशन स्किल्स, नेगोशिएशन की वजह से भी कभी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. इन एडुकेट प्रमोशंस फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्रमोशंस इज इंपॉर्टेंट, मेनी इंडियन एक्सपोर्टर्स डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द प्रमोशंस, ए गुड नंबर ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर नॉट प्रोफेशनल इन एडवर्टाइजिंग इन सेल्स प्रमोशन, दे डोंट टेक पार्ट इन देयर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन. बिल्कुल सही बात है, अगर भारत में बात करेंगे कानपुर की, अगर हम लोगों के लखनऊ, बेसिकली आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो यहाँ कानपुर का बात करिए, आगरा का बात करिए, यूपी में बनारस में बहुत ज्यादा, ये जो अगर यूपी की बात करेंगे मुरादाबाद हो गया, केवल यूपी यूपी में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट कर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, बट जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर नॉट एक्चुअली ट्रेंड, दे डोंट नो सम सर्टेन स्कीम्स, उनको कहीं ना कहीं प्रमोशंस नहीं, भारत सरकार ने कभी ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं किया उनको, तो दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट एक्चुअली प्रोफेशनल नहीं है, तो उनकी वजह से कभी कभार क्या होता है वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ प्रमोशनल स्कीम वो यूज नहीं कर पाते हैं, एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं पुअर परफॉर्मेंस का. पुअर फॉलो अप, पुअर फॉलो अप ऑफ सेल्स, सिंपल रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेड और जनरल कॉजेस, गुड डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, सेलर फाइंड अ रेडी मार्केट फॉर द गुड्स विद इन द कंट्री सो दे डोंट टेक पार्ट्स टू गेट ऑर्डर फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, भारत में ही इतना बड़ा डिमांड है. बात करेंगे कि भारत की एक तो कंपनी आए भारत की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग वो इंटरेस्टेड नहीं होते कि क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, पंगा होगा, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है, इससे ज्यादा कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे, तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा जब इंटरेस्टेड ट्रेड करेंगे, तो उनको पता है कि भारत में इतनी बड़ी डिमांड है तो गुड डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा रीजन है हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाते हैं. नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज भाई हमने बताया, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिसीज बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्सपोर्ट की. प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, भाई ट्रेडिंग ब्लॉक्स रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स, जो हमने आपको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 8 में, याद होगा आपको. तो भारत बहुत बहुत ऐसे भारत के पास बहुत कम एग्रीमेंट है जहां पर भारत ने, इंडिया ने सब टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया, जैसे नाफ्टा है, साफ्टा की बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, ऐसे रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स भारत में नहीं है, भारत ने रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स दुनिया के दूसरे देशों के साथ नहीं बनाए. जैसे इंडिया इज द मेंबर ऑफ G20, इंडिया इज द मेंबर ऑफ सार्क साउथ, ठीक है, तो सार्क वार्क में पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेडिंग ब्लॉक्स नहीं बना के रखे हैं जिसमें हम लोग इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें. तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स ऑन मेंबर नेशंस बट दे इम्पोज द ट्रेड बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स. इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ सम पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक, देखिए वही बात बोल रहे हैं, इट हैज टू बी फेस सम प्रॉब्लम, हमने आपको बता दिया भारत बहुत पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मेंबर नहीं है. निगेटिव एटीट्यूड वो तुम लोगों को पता ही, हम लोग पूरा हर चीज में निगेटिव एटीट्यूड रहता ही है भारत में. सम ऑफ द ओवरसीज बायर्स हैव ए निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द इंडियन गुड्स, है ना, तो हम लोगों की मतलब कि इंडिया को दूसरी दुनिया के लिए टाइप का देखा जाता है. अब थोड़ा सा पिछले 10-15 साल से हम लोगों का इमेज थोड़ा चेंज हुआ है. इवन दो यूएस में बैठा है, पीपल आर सिटिंग एट यूएस एंड अमेरिका, दे डोंट गिव एनी वैल्यूज टू द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है, तो निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द इंडियन प्रोडक्ट्स. पुअर इंफ्रा, इंफ्रा चलो अब ठीक हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सी पोर्ट्स बन रहे हैं और इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक हम लोगों का इंफ्रा भी पुअर था तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था एक्सपोर्ट नहीं कर पाने का. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस आई हैव टोल्ड. तो अभी तक की कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज यू कैन आस्क थ्रू द व्हाट्सएप ऑल्सो, हमने बहुत डिटेल में आपको बताया. I don't think so there will be any doubt, even though if you, anybody is having any doubt, so you can ask as of now also, अभी भी आप पूछ सकते हो हमसे. I am just giving the another 2-3 minute.
अगर अगर अभी पूछना तो अभी पूछ लीजिए, अगर अभी नहीं पूछना है तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या यू कैन गिव मी कॉल इन अ डे टाइम, आप दिन में कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमको मैसेज करके भी व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, या अभी भी आई एम जस्ट गिविंग सर्टेन 2-3 मिनट। तो प्लीज बताइए, अदरवाइज वी आर कंक्लूडिंग द टुडेज लेक्चर, वी विल मीट यू बाय द टुमारो एट प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम, दैट इज 7 to 8 o'clock विद अ वेरी न्यू टॉपिक। प्लीज लेट मी नो इफ एनी वन इज हैविंग एनी क्वारी। संध्या मैम यू, श्रेया आप, प्रतिमा मैम आप, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट यू बाय टुमारो प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।